अरे कभी ऊपर से हाथ से फेंक रहे, कभी नीचे से फेंक रहे, देख ये देखो उसमें नीचे से, अभी नीचे, हाँ अभी ऊपर के हाथ का फेंकेंगे तुम्हें लगेगा नीचे का है, ऊपर वाला लाल वही है ये वो देखो लाल। थाना बिलारी और कुंदर की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 2 गाड़ियां इनके कब्जे से बरामद हुई है। ये गैंग ने अपराध करने का एक अनूठा तरीका ईजाद किया है, इसमें ये सवारियों को गाड़ी में बैठाते हैं, गाड़ी में बैठाकर स्ट्राइकर, इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं, उससे ये मोबाइल गाड़ी में जुआ खिलवाते हुए ले जाते हैं। और जब ये देख लेते हैं कि किसी सवारी के पास ज़्यादा पैसा है, बचा हुआ है, तो गाड़ी 10-15 किलोमीटर ले जाके उनको लूट भी लेते हैं, मार पीट कर उनको जुआ खेलने के उपरांत उतार देते हैं। दूसरा इनका तरीका होता है कि जब ये उनके सारे पैसे को जुए में ले लेते हैं तो उसके बाद ये आपस में झगड़ा कर लेते हैं, वो प्लान्ड वे में झगड़ा करते हैं और झगड़ा करने के तुरंत बाद उस गेम को समाप्त करके और सवारी को उतार देते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपराध करने का एक नया तरीका ईजाद किया और इनसे कनेक्टेड इसमें जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के, जनपद गाज़ियाबाद में थाना मसूरी क्षेत्रांतर्गत डासना क्षेत्र के और मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के और देहात क्षेत्र के कुंदरकी थाना क्षेत्र के, इसमें तकरीबन 40 लोग इस शामिल हैं इस प्रकार के कारनामों में, और 8 गैंग इस प्रकार के संचालित होने की बात प्रकाश में आई है। ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसको थाना स्थानीय कुंदरकी और बिलारी पुलिस ने इसको ओपन किया है और इसमें अभी पुलिस की आगे की कार्यवाही जारी है। सर, अभी तक कितनी लूट की घटनाओं का खुलासा गैंग द्वारा हुआ है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इनके इस गैंग के द्वारा लगभग 40 लूटें पिछले 6-7 महीनों में की गई हैं। इसमें कई पीड़ित ऐसे हैं कि पैसे का अमाउंट कम होने के कारण वो थाने तक शिकायत करने भी नहीं पहुँचे हैं। इन्होंने चंदौसी से बहजोई रूट पर बिसौली बदायूं थाना क्षेत्र में, बदायूं जनपद के बिसौली थाना क्षेत्र में, रामपुर जनपद के कई थाना क्षेत्रों में, मुरादाबाद में, रामपुर दोराहे से ठाकुर द्वारा वाली रोड पर इस प्रकार, और आपका जो लालकुआ क्षेत्र जनपद गाज़ियाबाद में है वहां से तिलकुआ के बीच में इनके द्वारा कम से कम 25 के आसपास घटनाएँ कारित की गई हैं, जिनमें ये प्लान्ड वे में उनसे 7,000, 8,000, 10,000 इस प्रकार की छोटी छोटी लूट और ठगी की घटनाएं करते थे, जिससे कि आदमी प्रायः शिकायत करने थाने पर भी नहीं पहुंचता है। सर, इनके पास से क्या क्या प्राप्त हुआ? इनके पास से अभी तक 2 गाड़ियां पुलिस ने बरामद की हैं, जो चलती हुई गाड़ी में जुआ खिलाने के उपकरण हैं वह पुलिस ने बरामद किए हैं और इनके पास से कैश भी बरामद हुए हैं।